परमेश्वर का आराधना कर रहा है। हम कब कब गए थे, कब गए थे? 7 साल मसीह विरोधी के राज्य के पहले आने वाला यीशु का गुप्त आगमन में हम लोग स्वर्ग गए थे, गए थे। अभी हम लोग स्तुति कर रहा है स्वर्ग में, सातवां मोहर के बीच में हम लोग स्तुति कर रहा है। कैसा हम लोग स्तुति कर रहा है, आगे बढ़ो। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, और हम लोग बड़े शब्द से पुकार कर कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो, और मेमने का जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, कितना अच्छा। देखो हम लोग स्वर्ग में सफेद वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहा है। हालेलुया। इस जगह में इधर जितना छोटा बड़े लोग बैठे हैं, सब लोग इधर खड़ा होना चाहिए, यही मेरा प्रार्थना। आमेन। परमेश्वर करेगा, इसलिए आप लोगों को इधर लेकर आया है। अभी हमारे साथ स्वर्गदूत लोग भी स्तुति कर रहा है स्वर्ग में। कैसा, आगे पढ़ो। और सारे स्वर्गदूत, अभी सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। हाँ, सब स्वर्गदूत लोग अभी स्वर्ग में सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं। अभी सब स्वर्गदूत लोग कैसा स्तुति कर रहा है। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। सब स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर को स्तुति और महिमा, और महिमा और ज्ञान, और ज्ञान और धन्यवाद, और धन्यवाद और आदर, और आदर और सामर्थ, और सामर्थ और शक्ति, और शक्ति युगान युग बनी रहे, युगान युग बनी रही। आमीन आमीन। हालेलुया, कितना अच्छा। देखो स्वर्ग में हम लोग स्वर्गदूत लोग एक दूसरों के पीछे परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। अभी स्वर्ग में 24 प्राचीनों में, ये 24 प्राचीनों में से एक यूहन्ना से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्वर्ग में कितना प्राचीन है बोलो? 24 प्राचीनों में से एक यूहन्ना से पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, आगे पढ़ो। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यूहन्ना से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? यूहन्ना, मुझे बोल क्या बोलना। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाले है लोग कौन है? और ये कहां से आए हैं? और ये लोग कहां से आए हैं? यूहन्ना, मुझे बोल ये लोग कौन है और कहां से आया है? मैंने उससे कहा, आओ यूहन्ना उसको कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। मेरे को क्या मालूम? तेरे को मालूम है, तू ही जानता है। स्वर्ग में सफेद वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाला है लोग कौन है, किधर से आया है, मुझे क्या मालूम, तू ही जानता है। अभी प्राचीन यूहन्ना से बोल रहा है, क्या बोल रहा है ठीक से सुनो। उसने मुझसे कहा, और प्राचीन यूहन्ना से कहा, ये वे है यूहन, तुझको मालूम है क्या, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने और यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाला है लोग कौन है, तुझको मालूम है क्या? हे वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में से निकल कर आए हैं हे लोग, यही है परमेश्वर का लोगो हो। अभी आप लोगों को अपना गांव का लोग, गली का लोग कितना तकलीफ दे रहा है, क्यों बोलो? आप क्या उनका पैसा चोरा किया?
क्यों तकलीफ दे रहा है? उनका जागा एक दोन फुट ज्यादा करके लिया किया और शराब पीकर रास्ते में पड़ा, रास्ते में गिरा किया? क्यों आपका गांव का लोग आपको तकलीफ दे रहा है? आप लोग यीशु पर विश्वास रखा है, बपतिस्मा लेकर चर्च को जा रहा है, इतना ही है ना, इतना ही है ना, इसके लिए इतना तकलीफ आप लोगों को? स्वर्ग में प्राचीन बोल रहा है यूहन्ना को, यूहन्ना देख, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाले हैं लोग कौन है तेरे को मालूम है क्या यूहन्ना? प्राचीन बोल रहा है यीशु के लिए महाक्लेश में से आए हैं ये लोग, वही है। आप लोग यीशु पर विश्वास रखा है, बपतिस्मा लिया है, चर्च को जा रहा है, बोले अपना गांव का लोग, गली का लोग अपनों को त्रास दे रहा है क्या? चिंता मत करो, सब यीशु का नाम से सह करो और थोड़ा दिन में स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाला लोग आप ही है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, यीशु के लिए सब कुछ सहन सह करो, स्वर्ग में अपना प्रतिफल बड़ा है, परंतु यीशु को मत छोड़ना, यीशु को मत छोड़ना। इतना ही नहीं, अभी प्राचीन बोल रहा है यूहन्ना को क्या, आगे आगे बढ़ो। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने का, यीशु का लहू में धोकर अपने अपने वस्त्र श्वेत किया है, मतलब क्या? यीशु का लहू से इन लोगों का पाप क्षमा हो गया है। ठीक से सुनो, कल आप लोग स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़े होकर स्तुति करने के लिए आपको दो कारण। नंबर वन, यीशु का लहू से अपना पाप क्षमा हो गया है। नंबर टू, यीशु का नाम से जो कुछ तकलीफ आ रहा है ये सब आप लोग सह कर रहा है। ये दोनों कारण, और थोड़ा दिन में आप लोग स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़ा होकर स्तुति करने वाला है आप लोग, चिंता मत करो। हालेलुया, आगे पढ़ो। इसी कारण ही, दोनों कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। अभी हे लोग स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। हे लोग फिर भूखे और प्यासे न होंगे, मतलब क्या? स्वर्ग में हम लोगों को भूख नहीं किया, प्यास नहीं किया। ठीक से सुनो, स्वर्ग में हम लोगों को भूख प्यास रहेगा, इधर लिखा है, स्वर्ग में भूख नहीं प्यास नहीं बोले लिखा है। ठीक से सुनो, आप लोग सुना है क्या, धनवान मनुष्य और लाजर सुना है क्या? ओके, धनवान मनुष्य मरा, किधर गया? अधोलोक गया। लाजर मरा अब्राहम की गोद में, स्वर्गदूत उसको लेकर छोड़ा, अब्राहम की गोद में छोड़ा। अभी अधोलोक से धनवान मनुष्य दूर से अब्राहम को और उसके गोद में लाजर को देखा, अभी अधोलोक से चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? ए पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दो, क्योंकि लाजर उसका उंगली का सिरा पानी में भिगोकर एक बूंद पानी मेरा जीव में छोड़ने के लिए बोलो, क्योंकि इधर आग में मुझे मैं तड़प रहा हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है अधोलोक में, नरक में आग नहीं बुझेगा, कीड़ा नहीं मरेगा।
अभी अधोलोक में धनवान मनुष्य को क्या हो रहा है? बोलो, क्या हो रहा है? प्यास हो रहा है। और अधोलोक में, नरक में प्यास होगा, आत्मिक शरीर को प्यास होगा, फिर भी भीख मांगा तो भी एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं, स्वर्ग में हम लोगों को प्यास होगा, प्यास होगा तो किसको पास जाकर भीख मांगने के लिए अवश्य नहीं है, क्योंकि उधर जीवन का नदी है, चाय क्या हम पिएंगे। हमको भूख लगेगा, किसको पास जाकर भीख मांगने के लिए अवश्य नहीं, क्योंकि उधर जीवन का पेड़ का फल है। हर एक पेड़ में कितना वैरायटीज फल है, चाहे क्या हम खाएंगे। किसको पास जाकर मांगने के लिए अवश्य नहीं है, इसलिए लिखा है उधर भूख नहीं प्यास नहीं। हमारा आत्मिक शरीर कैसा रहेगा ये सब हम लोग आगे देखेंगे। स्वर्ग में हम लोगों को प्यास रहेगा, भूख रहेगा, किसके पास जाकर मांगने के लिए अवश्य नहीं। क्यों? उधर जीवन का नदी का पानी है, उधर जीवन का पेड़ का फल है, चाहे तो पिएंगे चाहे तो खाएंगे, किसको पास जाकर मांगने के लिए अवश्य नहीं। इसलिए लिखा है उधर भूख नहीं और प्यास नहीं बोल लिखा है। आगे पढ़ो। और न उन पर धूप और न हम पर धूप, न कोई तपन पड़ेगी, न कोई तपन पड़ेगी। मतलब क्या? स्वर्ग में हमको न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। स्वर्ग में हमको धूप तपन नहीं पड़ेंगे। मतलब अर्थ क्या? 24 आवर्स एसी, पूरा स्वर्ग क्या है? सब बोलो क्या है? कितना तास है? कितना घंटा? 24 घंटा एसी, पूरा स्वर्ग एसी, 24 घंटा एसी। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, हमारा रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। जीवन रूपी जल के सोतों के पास यीशु हमको ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से अब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर से पढ़ो। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर अपना आंखों से सब आंसू क्या करेगा? क्या करेगा? अभी छोटा बच्चे से बड़ा लोग तक सब लोग मुझे देखना चाहिए। मैं जैसा करूंगा, जैसा बोलूंगा, वैसा बोलना चाहिए, करना चाहिए। अपना बच्चों को भी करने के लिए बोलो, ठीक है? जिधर जिधर माँ पिता है उनको, बच्चों, अपना बच्चों को भी मुझे देखने के लिए बोलो, और मैं जैसा बोलूंगा करूंगा वैसा करना चाहिए, बोलना चाहिए, आप ही करना चाहिए। पास्टर रहने दो, और जवान छोटा बड़े सब मेरा पीछे करना चाहिए। ओके, सब करेंगे क्या? ओके, सभी लोग अभी अपना दहिना हाथ लेना चाहिए। पहला मुझे मुझे मुझे, मुझे देखो, मैं कैसा बोलूंगा कैसा करूंगा पहला मुझे देखो। परमेश्वर मेरा आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। बोलो करो, परमेश्वर मेरा आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी आप लोग जैसा किया है वैसा ही, और थोड़ा दिन में परमेश्वर का खुद हाथ अपना सब आंसू पोंछ डालेगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर का खुद हाथ अपना आंसू पोंछ डालने चाहे ना, चाहे ना। तो इस पृथ्वी पर यीशु के लिए आप लोग आंसू सोड़ना ही चाहिए। इधर इधर आप लोग सोड़ा तो उधर पोंछेगा, बराबर है ना? इधर आप लोग नहीं सोड़ा तो उधर कैसा पोंछेगा? यीशु के लिए कितना भी कष्ट तकलीफ आने दो, यीशु को मत छोड़ना। अभी तक जिंदा परमेश्वर कौन है हमको मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ा। यीशु के लिए जीना और यीशु के लिए सब कुछ तकलीफ सह करना, यीशु के लिए मरना और अपना सब आंसू, और थोड़ा दिन में
परमेश्वर का खुद हाथ पोछ डालेगा। हालेलुया हालेलुया। ओके, अगला और जो परमेश्वर का वचन है आगे, पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो ठीक से सुनो, और थोड़ा दिन में इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। कौन सा बारिश? पानी का बारिश नहीं, लहू वो लो आग मिक्स होकर इसी पृथ्वी पर बारिश होने वाला है। परिणाम क्या? हाँ, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई। क्या जल गई? क्या जल गई? एक तिहाई, पृथ्वी की एक तिहाई जल गई। वन थर्ड ऑफ अर्थ वर बर्नड अप। पृथ्वी की एक तिहाई जल गई, पूरा पृथ्वी को तीन विभाग किए तो उसमें एक भाग पृथ्वी जल गई। सैटेलाइट से पृथ्वी को देखा, पृथ्वी जल रहा है। एक तिहाई पृथ्वी, वन थर्ड ऑफ अर्थ वर बर्नड अप। हाँ, और पेड़ों की एक तिहाई जल गई। और पेड़ों की एक तिहाई जल गई, वन थर्ड ऑफ ट्रीज वर बर्नड अप। पूरा पृथ्वी के ऊपर जितना पेड़ जंगल है, उस पेड़ जंगल में एक तिहाई पेड़ जंगल जल गई है। पेड़ मतलब क्या? जंगल मतलब क्या? आपको मालूम है क्या? मुझको मालूम नहीं, परंतु मेरे को मालूम है। पेड़ जंगल मतलब क्या? क्यों? मैं 8 साल जंगल में सेवा करता था। आपको मालूम है क्या? तमिलनाडु में सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन, सुना क्या? उसका जंगल में मैं 5 वर्ष सेवा करता था। जिस जगह में उसका कब्र है, उस कब्र के उस पर हम सेवा करना चाहे, कितना बार उसका कब्र देकर हम जाते थे जंगल में आदिवासी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए। कर्नाटक में अफ्रीका नीग्रो लोग है, गोवा कारवार यल्लापुर डांडली हुबली, उस जंगल में अफ्रीका नीग्रो लोग कम 30,000 अफ्रीका नीग्रो लोग है उस जंगल में। मैं और मेरा पत्नी 3 साल जंगल के अंदर हम रहकर सेवा करते थे। ओडिशा जंगल में सेवा कर, हमको मालूम है जंगल मतलब क्या। और एक एक पेड़ देखना चाहिए, कितना हाइट, कितना हरी, कितना बड़ा। बड़ा बड़ा जंगल भी जल गई, बड़ा बड़ा पेड़ भी जल गई। आप कितना जी? आपका बूदी क्या बोलेंगे? राख जलने के बाद मिलेगा ना, उसके क्या बोलेंगे? राख। राख भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी के लोग हो ठीक से सुनो, परमेश्वर का लोग हो ठीक से सुनो, मसीह का लोग हो सुनो, और थोड़ा दिन में परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को विभाग करके 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 मार डालने वाला है। उनके साथ आप ही नहीं मरना। परमेश्वर का मसीह का लोग सुनो, अभी जगत में लोग क्या कर रहा है? मरे हुए लोगों को जलाते हैं, मरे हुए लोगों को जलाते हैं पृथ्वी पर लोग। अगर आप लोग इधर रहा, यीशु आप लोगों को जिंदा जलाएगा।
ये परमेश्वर का वचन है। मैं ज्यादा कम नहीं किया, परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही बोला। परमेश्वर मेरा गवाही है, आप मेरा गवाही है। बचाव कर को लो, इधर मत रहना। फिर से मैं आपको बोलूंगा, अगर आप लोग अभी आने वाले यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, इंटरनेट, मोबाइल, झगड़ा, कोर्ट केस, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के संग स्वर्ग न जाकर मसीह विरोधी का दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, यीशु मसीह आप लोगों को जिंदा जलाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। और सब हरी घास भी जल गई। और सब हरी घास भी जल गई। ऑल ग्रीन ग्रास वर बर्न्ड अप। सब हरी घास जल गई। जब पहला तुरगिया फूंक ले जाएगी, तब पृथ्वी का एक तिहाई पृथ्वी जल जाएगी। जब पहला तुरगिया फूंक ले जाएगी, तब बारिश, कौन सा बारिश, लहू, ओलो और आग मिक्स करके बारिश, लहू का बारिश होने वाला है क्या, ओलों का बारिश होने वाला है क्या, और आग का बारिश होने वाला है क्या, जो होने वाला है पहला तुरगिया फूंकने के समय में, परमेश्वर अभी ही थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। पुराना नियम भी लिख कर रखा है, हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी परमेश्वर लहू का बारिश भी और ओलों का बारिश भी दिखाया है, बाइबल में भी दिखाया है, अभी ही दिखाया है। क्या पास्टर, लहू का बारिश परमेश्वर पृथ्वी पर किधर दिखाया? अभी मैं आपको न्यूज़पेपर, वार्ता पत्रिका, बराबर है, वार्ता पत्रिका पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र अभी मैं आपको दिखाया, आश्चर्य हो जाएगा। जो परमेश्वर ने लहू का बारिश अपना भारत देश में दिखाया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तीन बार लहू का बारिश परमेश्वर अपना भारत देश में दिखाया, भारत देश में लहू का बारिश। हाँ, केरला में त्रिवेंद्रम बोले एक गांव है, उधर से कर्नाटका में मंगलूर बोले गांव है, बेंगलोर नहीं, मंगलूर समुद्र किनारे में है। केरला त्रिवेंद्रम से कर्नाटका मंगलूर तक तीन बार परमेश्वर लघु का बारिश दिखाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो पेपर में आया था। फर्स्ट टाइम 30 जुलाई 2001 जो पेपर में आया है, अभी मैं कन्नड़ पेपर में आया है, कन्नड़ में पढ़कर हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। केरल केंपु मले नूरारु भावि कुसित, केरला में लाल बारिश, 100 कुआं गिर गया है, ये पहला बार, पहला टाइम। और दूसरा टाइम 2 अगस्त 2001, केरलदल्ली केंपु मले इन्नू निगुड़, केरला में लाल बारिश अभी तक गुप्त है, ये दूसरा टाइम 2 अगस्त 2001। तीसरा टाइम 2 सितंबर 2002, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಳೆ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಲಾಲ್ ಬಾರಿಸ್ ಔರ್ ಭಯ, ಭಯ ಮೇ ಕಿಸಾನ್ ಲೋಕ, ಭಯ ಮೇ ಕಿಸಾನ್ ಲೋಕ, ತೀನ್ ಬಾರ್ ಲಹು ಕಾ ಬಾರಿಸ್ ಆಯಾ ತಾ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಆಯೆ, ಉಸ್ ಲಘು ಲಹು ಕಾ ಬಾರಿಸ್ ಕಾ ಪಾನಿ ಲಿಯೆ ಔರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಯೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಬಾದ್ साइंटिस्ट लोग जो पेपर में दिया है, अभी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। जो 6 अगस्त 2001 में पेपर में आया था, कन्नड़ में पढ़ूंगा, हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप लोगों को बताऊंगा। बन्नद मलगे उल्का स्पोर्ट कारण वल्ला लाल बारिश
कुछ तो आकाश में स्फोट हो गया कारण नहीं बदलिगे शिलींद्र कणगळु कारण एन्नुत्तारे अवरु परंतु लहू का कोशी कारण बोले साइंटिस्ट लोग बोल रहा है मनुष्य का लहू में दो प्रकार का कोशी कोशी बराबर है दो प्रकार का कोशी है एक कोष ओके थैंक यू दो प्रकार का कोष है एक सफेद कोष और दूसरा लाल कोष सफेद कोष हम लोगों को बीमारी नहीं आना बोले रुकते हैं परंतु लाल कोष मनुष्य को जीव देते हैं इधर पानी बारिश लहू का बारिश पानी लेकर साइंटिस्ट लोग टेस्ट किए तब उसमें मनुष्य का लहू का लाल कोष मिला है अभी साइंटिस्ट लोग क्या दिया है पेपर में बन्नद मले लाल बारिश नीरन मादरी परीक्षा नडसिदाग पानी लेकर टेस्ट किए तब अदरली उसमें शिलींद्र कणगळु लहू का कोष पत्तेयागिदे मिल गया है आदरे परंतु ई सिद्धांतदिंदलू इसका द्वारे भी केलवु प्रश्नगळिगे कुछ प्रश्नों को उत्तर सिक्कलिल्ल उत्तर नहीं मिला इष्टोंदु भारी प्रमाणदल्ली इतना ज्यादा शिलींद्र कणगळु लहू का कोष आकाशदल्ली हेगे उत्पत्ति आगवु आकाश में कैसा उत्पन्न हो गया अवगलो वे मोड़दुंदिगे सेरिकोंडिद्दु हेगे बादल में घुस गए कैसा एंब प्रश्नेगलु ऐसा प्रश्न प्रश्नयागि उळिदिवे प्रश्न बोले रख गया है साइंटिस्ट लोगों को उत्तर नहीं मिला मनुष्य का लहू में जो लाल कोष है इतना ज्यादा आकाश में कैसा उत्पन्न हो गया और बादल में कैसा घुस गए बारिश बोले कैसा आए क्वेश्चन मार्क में साइंटिस्ट लोग को छोड़ा है आप लोगों को मालूम है क्या साइंटिस्ट लोगों को उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि उत्तर है बाइबल में जो होने वाला है मसीह विरोधी का दिन में पहला करना पहला तुरहिया जब फूंकले जाएगी तब होने वाला लहू का बारिश परमेश्वर अभी ही तोड़ा तोड़ा दिखाते हैं क्यों मेरा लोग हो सावधान मेरा आने का दिन निकट आया है परमेश्वर का लोग हो पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो ठीक से सुनो मसीह विरोधी का दिन में जब पहला तुरगिया फूंकले जाएगी तब होने वाला लहू का बारिश अभी ही तैयार है परंतु इसके पहले ईसु आएगा हम लोगों को बचाव करके ले जाएगा हालेलुया हालेलुया हम लोग देखा है लहू का बारिश अभी हम देखेंगे ओलो का बारिश होने वाला है क्या पुराना नियम में हम देखेंगे पुराना नियम में अय्यूब का पुस्तक अध्याय 38 वचन 22 और 23 अय्यूब का पुस्तक 38 22 23 हाँ फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा हाँ अभी परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है अय्यूब तू क्या कभी ओलों को भंडार में क्या है हिम के भंडार में हिम 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 के भंडार में पैठा क्या अय्यूब तू कभी हिम के भंडार में पैठा हिम 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 बोले तो ओले बराबर है बर्फ परमेश्वर स्वर्ग में भंडार रखा स्वर्ग में भंडार रखा भंडार बोले तो इंग्लिश में गोडाउन बराबर है परमेश्वर स्वर्ग में गोडाउन भंडार रखा और उसमें बर्फ रखा बर्फ
बर्फ। अभी परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है कब, अय्यूब अय्यूब का दिन में, पुराना नियम में। अभी परमेश्वर पूछ रहा है अय्यूब तू क्या स्वर्ग में हिम का भंडार में, ओलों का भंडार में तू कभी पैदा किया या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? स्वर्ग में ओलों को भंडार तू कभी देखा क्या? तुझको मालूम है क्या अय्यूब, मैं क्यों स्वर्ग में भंडार में ओलो रख छोड़ा है तेरे को मालूम है क्या? जिसको मैंने संकट के समय, जिसको मैंने, परमेश्वर बोल, मैं जिसको मैंने संकट के समय, संकट के समय बोले तो मसीह विरोधी का दिन, संकट का समय में और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए मैं रख छोड़ा है, स्वर्ग में परमेश्वर रख छोड़ा है। मसीह विरोधी के दिन में युद्ध करने वाला कौन है, लड़ाई करने वाला कौन है? परमेश्वर बोल रहा मैं करूंगा, मैं करूंगा। क्या करूंगा? जिस लोग अभी आने वाला यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा सीरियल इंटरनेट मोबाइल शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू व्यभिचार झगड़ा कोर्ट केस चोरी कुछ ना कुछ पाप करके अभी आने वाला यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाकर मसीह विरोधी का दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनका सिर पर मैं डालूंगा। आपको मालूम है क्या, परमेश्वर स्वर्ग में भंडार में जो ओलो रखा, हर एक ओलों का वजन भी परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। आश्चर्य हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 16:21 पढ़ो। आकाश से मनुष्यों पर किधर, आकाश से किधर, किधर पृथ्वी पर, क्या मनुष्यों पर, मुझे बोलो मनुष्यों पर, बोलो तो अर्थ किया मनुष्यों पर, जास्ती कमी मत करना, जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए। अभी आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। मन मन भर के बोले तो कितना किलो, 20 किलो, मराठी में लिखा है 40 किलो, इंग्लिश गुडनेस बाइबल में लिखा है 100 pounds। एक पाउंड बोले तो पौना किलो, 100 pounds बोले तो 75 किलो, 75 बराबर है 75 किलो। 20 से 75 किलो तक हर एक ओलों का वजन परमेश्वर स्वर्ग में अय्यूब का दिन में गोडाउन में रख छोड़ा है। क्यों? मसीह विरोधी के दिन में जो लोक रहने वाला है उनके सिर पर डालने के लिए। आकाश से मनुष्यों पर लिखा है, पृथ्वी पर नहीं, मनुष्यों पर बोले तो अर्थ क्या, मनुष्यों पर, जास्ती कमी मत करना। बड़े बड़े मन मन भर के बड़े ओले गिरे, बरोबर डाले। अब एक भी लिखा है मनुष्यों पर गिरा, बोले लिखा है ना मनुष्यों पर ही गिरेगा, एक भी ओले नीचे नहीं गिरेगा। अगर आप लोग उधर रहेंगे बरोबर आपका सिर में डालेगा। हंस रहा है आप लोग, रह कर देखो आपको मालूम पड़ेगा। आश्चर्य हो रहा है ना? देखो निर्गम का पुस्तक 9:22 से आगे पढ़ो, अभी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अभी यहोवा परमेश्वर मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, मूसा तू तेरा हाथ आकाश के ओर बढ़ा कर, कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, सारे मिस्र देश में मनुष्यों पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे, खेतों की सारी उपज पर ओले
ओलो गिरे। हाँ, तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया। तब मूसा अपनी अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे। किसका सामर्थ्य से? यहोवा की सामर्थ्य ने, यहोवा की सामर्थ्य ने ओले बरसने लगे। हाँ, और आग पृथ्वी तक आती रही। आग पृथ्वी तक आती रही, दोनों बारिश हो रहा है अभी, ओलो और आग, बराबर है ना? आग पृथ्वी तक आती रही। हाँ, इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। ओले बरसाया, यहोवा बरसाया मिस्र देश पर। हाँ, जो ओले गिरते थे, जब ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। आग भी मिली हुई थी, दोनों बारिश आ रहा है अभी। हाँ, और वे ओले इतने भारी थे, वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र देश भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इतना डेंजर। इसलिए मिस्र भर के खेतों में, किधर किधर मिस्र भर के खेतों में, क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए। सब ओलों से मारे गए सब ओले तो सब। परमेश्वर का वचन, ज्यादा कमी मत करना। और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई। और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। सब वृक्ष एक भी वृक्ष नहीं बचा, सब वृक्ष टूट गए। अभी ठीक से सुनो, मैदान के सब वृक्ष टूट गए, मनुष्य खेत उपज कुछ भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ओलों को बारिश से नष्ट किया, परंतु आगे पढ़ो। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे एक भी ओले नहीं गिरे। क्या परमेश्वर का अद्भुत! गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे, गोशेन प्रदेश किधर है? उधर ही मिस्र देश में है। इजरायली लोग रहते हैं गोशेन प्रदेश में, मिस्र देश में। कौन बोले रहते हैं इजरायली लोग? गुलाम बोले रहते हैं। परंतु उधर जिधर इजरायली लोग रहते थे गोशेन प्रदेश में, एक भी ओले नहीं गिरे। इसलिए मैं बोला, ओलों को मालूम है किधर गिरना चाहिए, किधर नहीं गिरना चाहिए। अगर आप लोग किधर रहा तो बराबर आपका सिर में गिरेगा, एक भी ओले नीचे नहीं गिरेगा, आपको ढूंढ कर गिरेगा आपका सिर पर। बचाव कर लो। जो पेपर में आया था अभी मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिला में ओलों का बारिश आया था, सकाल बोले न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र 15 सितंबर 2013 में जो आया था, रत्नगिरी जिला में ओलों को बारिश हुआ था। हर एक ओलों का वजन कितना आपको मालूम है क्या? इधर लिखा है वजन 50 किलो होन अधिक, 50 किलो से अधिक ज्यादा एक ओलों का वजन। क्यों? पर कितना भी खेत नुकसान हो गया, नाश हो गया, खेत में करोड़ों रुपए नाश हो गया, और कितना भेड़ बकरी मर गए, खेत नुकसान हो गया, परंतु मनुष्य नहीं मरा। क्योंकि मनुष्य अभी मत मरना, मरना चाहे कभी मरना चाहिए, मसीह विरोधी का दिन में मरना चाहिए। परमेश्वर का लोगो हो, ठीक से सुनो, मसीह विरोधी का दिन में जब पहला खरना फूंक ले जाए, पहला तुर्गिया फूंक ले जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश, ओलों का बारिश अभी ही रेडी,
परंतु उसके पहले ईसु आएगा, हम लोगों को बचाव करके ले जाएगा, ले जाएगा। और एक हम हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 19वां अध्याय 24-25 पढ़ो। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। यहोवा अपनी ओर से अपनी सामर्थ्य से सदम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक की बारिश भेज दिया। यहोवा भेज दिया सदम और अमोरा का देश में और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। आग आग का बारिश से नष्ट कर दिया। अभी तक एक भी घास उधर नहीं आएंगे। अभी तक लोग जाकर देकर आ रहा है। परमेश्वर आकाश से आग और गंधक की बारिश भेज दिया सदोम और अमोरा का सिटी का ऊपर, सब कुछ नष्ट कर दिया। आग का बारिश सिर्फ प्रकाशित वाक्य में नहीं, बाइबल में पहला पुस्तक उत्पत्ति में है, परमेश्वर रखा है आग का बारिश। इसलिए पढ़ो इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। उस युग का जगत पानी में डूबकर नष्ट हो गया। कब पृथ्वी पानी में डूबकर नष्ट हो गया? कब नूह का समय में, बराबर है ना? नूह का समय में पृथ्वी पानी में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के वर्तमान काल की आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं, इसलिए रखे गया है कि जलाए जाए इसलिए रखे गया है। पत्रस लिखकर रखा, वे भी कैसा जलाया जाएगा? आगे पढ़ो। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के मतलब क्या? जिस लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे उन लोगों को पत्रस लिखकर रखा, परमेश्वर का वचन लिखकर रखा है, भक्तिहीन मनुष्यों को न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे किसके लिए? आग में जलाया जाने के लिए पृथ्वी रखे रहेंगे। परमेश्वर का लोग हो, मसीह विरोधी के दिन में जब पहला तुरगिया फूंक ले जाएगी तब होने वाला लहू का बारिश और ओलों का बारिश, आग का बारिश अभी ही रेडी। परंतु उसके पहले आने वाला यीशु के संग स्वर्ग जाने के लिए आप लोग रेडी है क्या? हम लोग देखा है पहला तुरहिया देखा है, अभी हम देखेंगे दूसरा तुरहिया।